अरे वो इसी जमीन के अंदर तो चली गई थी। ए महक, एक बात बता ना, नागलोक जाने के लिए कोई शॉर्टकट रूट है क्या कहीं? नहीं 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 नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रार्थना गायब हुई कहाँ? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। हाँ, फिर से गुलाबी पूर्णिमा की पूरी चांद की पूरी रात आएगी, और वो रात 6 साल में सिर्फ एक बार आती है, और वो बहुत जल्द आने वाली है। उससे पहले मुझे प्रार्थना चाहिए, मुझे वो 9 मणियां चाहिए, और मुझे वो शक्तियां चाहिए। सीमा ढूंढते हैं, हो सकता है उसकी लाश ही मिल जाए। महक, जब नागिन मरती है ना, इच्छाधारी नागिन, तो उसे दफनाया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि वो तो नागलोक पहुंच गई होगी ना। देख, तुझे भी पता है कि नर्क, नाग, पाताल, ये तीनों जमीन के नीचे हैं, स्वर्ग, परी और देवलोक जमीन के ऊपर है, और हम इन सातों के बीच घूम रहे हैं। हाँ हाँ सीमा, मुझे वो सब पता है, लेकिन फिर भी हमें उसे ढूंढना ही होगा। अरे तो ढूंढ ही तो रहे हैं ना, कब से ढूंढ रहे हैं। ए सुनो, जल्दी से खोदो, और तब तक खोदते रहो जब तक तुम्हें कुछ मिलता नहीं है। आप जाइए ना, मैं ढूंढती हूँ ना, ढूंढ रही हूँ मैं। हमें उसे ढूंढना ही होगा। अरे कहाँ ढूंढे उसे, पता नहीं ये नागिन कहाँ गायब हो गई। आ गया वो समय जब इतिहास अपने आप को एक बार फिर से दोहराएगा। नागिन, शेष नागिन, श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ महाशेष नागिन को आना होगा अपनी कहानी पूरी करने के लिए। वक्त आ गया, आज उस वरदान के पूरा होने का वक्त आ गया जो महाशेष नागिन ने मुझसे जिद करके लिया था। चाहे जो भी हो जाए, मेरे प्यार को कुछ नहीं होना चाहिए। आज शायद तुम्हें अपने बीते हुए कल के बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन बहुत जल्द वो वरदान तुम्हें अपनी जिंदगी और जीवन साथी के करीब ले आएगा। मिस्टर रघुवीर, ये नामीबिया के माइन से निकला हुआ बहुत ही कीमती लाल हीरा है। झूठ बोल रहे हैं आप। हो सकता है ये हीरा कीमती हो, पर ये लाल हीरा नहीं, क्योंकि लाल हीरे को करीब से देखो तो उसके अंदर एक गुलाबी परत दिखती है जो इसके अंदर नहीं है। तो आप ये नकली हीरा लेके मुझे असली हीरा दीजिए। बहुत खूब, मैं तो आपकी नजर को परख रहा था। आपको रत्नों की अच्छी पहचान है, आपके बारे में पहले मैंने सुना था और आज देख भी लिया, एक जौहरी ही असली हीरे की पहचान कर सकता है। ये लीजिए असली हीरा। मिस्टर रघुवीर, आप तो जानते होंगे ये कितना कीमती हीरा है, और आप इसे अकेले लेकर जाएंगे। आपको मालूम है ना, न जाने रास्ते में कितने चोर उचक्के होते हैं। इसे आप सही सलामत ले जाओगे ना अपने शोरूम में? किसी में इतनी ताकत नहीं जो रघुवीर की चीजों को हाथ लगा सके, चोरी करना तो दूर की बात है। थैंक यू। जानते हैं शहर का बहुत बड़ा ज्वेलर है ना तू, हीरा लेने आया था। चल चुपचाप वो हीरा निकाल कर दे दे हमें, वरना तुझे छोड़ेंगे नहीं। मेरे ऊपर इतनी रिसर्च की है तो ये भी जान लेते कि रघुवीर को धमकियां नहीं पसंद। हाँ भाई, वो हीरा। हाँ हाँ, हीरा मेरे पास ही, तू संभल के आना। ओके। अरे अब टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा मुझे, आपको आशीर्वाद है ना मेरे साथ। चलो बाद में बात करता हूँ। अरे क्या हुआ, कुछ मिला? कुछ नहीं मिला मैडम, पूरा कोना कोना छान मार लिया, उधर इधर कहीं से भी कुछ नहीं मिला मैडम। अरे ऐसे कैसे नहीं मिला, और खोदो और नीचे जाओ, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। कुछ नहीं मिला मैडम। अभी तुम यहाँ खड़े रह के डायलॉग मत मारो, तुम खुद ही मारो और ढूंढो, जाओ। ओए नीचे जाओ, चलो। सुनो तुम भी जाओ नीचे, कुछ मिला भाई? नहीं।
सच में राक्षस लोक से ही आई है ना, एक इतना सा काम नहीं तो कर सकते। इसी धरती के अंदर प्रार्थना समाई गई थी, अब तक तुम उसको ढूंढ के निकाल नहीं पाई। कैसी राक्षसनी है? ए सुन, बहुत अच्छी राक्षसनी हूँ, तभी तो तेरे कहने पर यहाँ आकर जमीन की खुदवाई कर रही हूँ। अरे हर कोना हर पर्थ ढूंढा, कुछ नहीं मिला। समझ में नहीं आ रहा कि प्रार्थना की बच्ची कहाँ गायब होगी और कैसे गायब हो गई। दीदी आपने इतनी अच्छी बर्थडे पार्टी दी, थैंक यू। छोले भटूरे बहुत अच्छे थे। मैं पैसे दे के आती हूँ। भैया छोले भटूरे बहुत अच्छे थे, बच्चों को बहुत अच्छे लगे। थैंक यू मैडम। भैया इसमें तो 10 रुपए कम है। कोई बात नहीं मैडम, नेक्स्ट टाइम दे दीजिएगा। थैंक यू भैया। चलो बच्चों। अब सारे पैसे खत्म हो रहे हैं, मुझे जल्दी से कोई जॉब ढूंढनी होगी। वाह वो देखो दीदी, कितनी खूबसूरत है ना। हाँ पर इसमें दिल नहीं है, ना किसी के लिए दर्द है। पत्थर है ये पत्थर, पर किसी हीरे से कम नहीं है। आप इन्हें जानती हैं? हाँ। सच्ची? हाँ, बहुत सारे ज्वेलरी स्टोर के होर्डिंग्स पे देखा है ना। वाह दीदी क्या सस्पेंस क्रिएट किया है आपने। हाँ हमें लगा तुम्हें तुम्हारा अतीत याद आ गया इन्हें देख के। नहीं मैं अपने अतीत को याद नहीं करना चाहती, तुम लोगों को कभी छोड़ के जाना भी नहीं है। रही बात इसकी, तो ये तो बहुत बड़े ज्वेलरी स्टोर की ओनर है, इसीलिए इतने अमेजिंग ज्वेलरीज पहनती है। सच बोलूं तो मुझे कभी कभी बहुत जेलस फील होता है कि इनके पास इतनी सुंदर ज्वेलरीज है। कितनी खूबसूरत है ना ये। खूबसूरत तो आप भी हो दीदी, हमारी प्रीति दीदी करोड़ों में एक है। काश हम भी थोड़े पैसे इकट्ठा करते और आपको ये ज्वेलरी गिफ्ट करते। ए संजू ग्रेट आइडिया, अगर हम ज्वेलरी गिफ्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते तो क्या हुआ, ये तो देख सकते कि इनके ऊपर ज्वेलरी लगती कैसे है। वो कैसे? हम आपको वो ज्वेलरी शोरूम में लेके जाएंगे, आप वहाँ पे सारी ज्वेलरी को टच भी करना और ट्राई भी करना। हाँ दीदी चलो ना, प्लीज दीदी चलो ना। चलो चलो। नहीं चलो, दीदी नहीं, 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 गलत है। अरे हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाय। अरे सर रघु। हाँ आपकी मेहनत रंग ला रही सर, ये देखिए कुरियर से बैंगल्स आ रहे हैं और कायरो से आ रहे हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स। फाइल रेडी रखो मैं आता हूँ। थैंक यू सर। हाय तू कैसा है? बढ़िया। ये देख कितने सारे पैसे कमाए हैं हमने, तूने एक्चुअली। भाई बिजनेस में संभाल लूंगा, पर आपने ये पैसे की बात मत करो, भाई हो मेरे, ठीक है? आप ये सब छोड़ो। ये देखो ये मैं आपके लिए लाया हूँ, खोलो। अरे बेर पसंद है ना आपको? बहुत पसंद है, लेकिन ऐसे बेर तो यहाँ नहीं मिलते। फिर तू मेरे लिए? सुबह सुबह गया था आपके लिए। थैंक यू रघु। ये सारा बिजनेस ना तू संभाल रहा है, ये कंपनी तू संभाल रहा है, मेरा ये जो डायमंड का शोरूम है ये भी तेरी वजह से चल रहा है। हीरे को परखने से लेके उसे चुनने से लेके उसे तराशने तक का काम तू ही करता है, तेरे बिना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। We all are dependent on you, भाई। और तो और इतने सारे जो कस्टमर्स हमारे पास आते हैं, इतनी जो बिक्री होती है, इतना मुनाफा होता है, करोड़ों का मुनाफा, ये सब तेरी वजह से होता है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हम करोड़ों रुपए कमाते हैं लेकिन तू अपने ऊपर एक रुपया तक नहीं खर्चता, और तुझे मेरी कितनी फिक्र है। तुझे पता है कि मुझे इसका शौक है और तू उसके लिए इतना दूर चला गया। भाई भाई आप छोड़ो, यहाँ बैठो। अरे अरे बैठो बैठो बैठो, ये बैठो। कहा ना आप मेरे भाई हो, और जिसके पास ऐसा भाई हो, who needs the money? मेरे असली हीरे तो आप ही हो। अब मैं समझा, मुझसे कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती हो गई थी और तूने मुझे बताया तक नहीं, और उस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए तू इतना दूर चला गया वो लाल हीरा लाने के लिए। खतरनाक इलाका है भाई। नहीं भाई आपसे कोई गलती नहीं हुई। नहीं 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 गलती तो मुझसे हुई है, मुझे पता है, लेकिन वो गलती तूने अपने सर ले ली।
और तुझे पता है हमें एक माइंड ब्लोइंग ऑफर आया है फरीदाबाद में बहुत बड़ा शोरूम खोलने का और देखना ये अब तक का सबसे बड़ा शोरूम होगा। फरीदाबाद में जो हमारी प्रॉपर्टी है उसे पापा ने बहुत साल पहले किसी को रेंट पे दिया था, अभी लीगल नोटिस पे है। बहुत काम है यार, आई हैव टू फाइंड द बेस्ट वे टू डील विद इट। कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, नीचे नीचे रखो। वाओ दीदी, कितना बड़ा शोरूम है। अमेजिंग। देखो तुम लोग किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। मैं वहां जाके ना उनसे पूछती हूँ यहाँ कोई जॉब वैकेंसी है क्या, मुझे कोई काम मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। प्रीति दीदी, ये ज्वेलरी कितनी सुंदर है ना, आप भी पहन के देखो ना। नहीं, अरे क्या कर रहे हो। नहीं, मैंने बोला ना हम खरीद नहीं सकते ये सब। अरे दीदी खरीदने, आपको कौन बोल रहा है, पहन के ट्राई तो करो ना। जाओ ना दीदी, चलो ना। अच्छा, चलो 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 यार, रुको रुको, ठीक है फाइन, तुम लोग बोल रहे तो मैं ट्राई कर लेती हूँ। ये तुम लोग यही पे रुको। सर ये सड़क पर रहने वाले बच्चे ये चोरी चकारी करते हैं, सर आप प्लीज इन्हें बाहर निकलवाइए ना, यहाँ से भी कुछ उठा के ले जाएंगे ये लोग, चोरी कर लेंगे। टीना सर, सर मैं कह रहा था ना ये चोरों की मंडली है। स्पीड से इसको बचाया और गाड़ी से तो क्या बची। ऐसे क्यों लग रहा है जैसे अभी मेरे अंदर कुछ बदला, मैंने कुछ तो अलग सा महसूस किया। क्या था वो एहसास, क्या हुआ था मेरे साथ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्टोर से चोरी करने की। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोर बुलाने की। हिम्मत लोग ना सही कहते, चोरी ऊपर से सीना चोरी। मैंने कोई चोरी नहीं की है। अच्छा तो फिर ये क्या है। I'm so sorry, वो actually टीना मुसीबत में थी तो मैं भाग के चली आई, इस नेकलेस का ख्याल ही नहीं रहा। ये लीजिए आपका नेकलेस। गरीब हूँ पर इतनी मजबूर नहीं कि चोरी करूँ। मेरे स्टोर में क्या कर रही थी। जॉब ढूंढने आई थी। वो तो ये बच्चों ने जिद की कि मैं नेकलेस ट्राई करके देखूँ तो इनको दो मिनट की खुशी देने के लिए ट्राई कर लिया। पर अब पता चल गया है कि आपके स्टोर के दरवाजे गरीबों के लिए बंद और सिर्फ अमीरों के लिए खुले हैं। वैसे एक बात कहूँ, आप आदमी बहुत बड़े हैं पर आपका दिल बहुत ही छोटा है। चलो बच्चों। अजीब लड़की है, चोरी भी खुद करी एडिटर भी खुद दिखा रही है। सीमा कुछ तो करना। मैडम विवेक सर के क्लाइंट ने एक तोहफा भेजा है, मैंने यही लगवा दिया है। इतना बड़ा धोखा क्यों किया। क्यों किया ऐसा, तुम तो मेरी वफादार मेड थी ना, फिर क्यों किया मेरे साथ ऐसा। क्या लगा तुम्हें हाँ कि मेरा राज तू दुनिया को इतनी आसानी से बता देंगे। नहीं,
जिसको भी मेरा सच पता चलता है वो अपने जान से जाता है। छोड़ दो मुझे, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, आप मुझे जाने दो। ठीक है, छोड़ देती हूँ, नहीं मारती हूँ तुझे। खुद अपने आप को मारेगी। ये चाकू दिखाई दे रहा है, इसे पकड़ और अपना गला काट ले। देख लिया सीमा, देख ली मेरी दहशत, जो भी मेरे खिलाफ जाएगा उसकी ये हालत होगी। अरे सुन 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 सुन, अले मेरी प्यारी सी नीली नागिन, शांत शांत हो जा। अगर इसी तरह खून बहाकर तू अपना गुस्सा बाहर निकालेगी क्या? आज उस मेड को तेरी सच्चाई के बारे में पता चल गया, तूने उसे खत्म कर दिया। सोच, कल को अगर तेरे घर वालों को तेरी सच्चाई के बारे में पता चल गया तो क्या इसी तरह तू खत्म कर देगी? तो क्या उनकी पूजा करूं? हैं? बस मुझे वो चाहिए। क्या चाहिए डार्लिंग, मुझे बोलो, मैं ला दूंगा। नथिंग डार्लिंग, मैं वो नई डील के बारे में बात कर रही थी जहाँ हमारी प्रॉपर्टी है, उस जगह की बात कर रही थी मैं। वो जगह इतनी बड़ी है, फरीदाबाद में अहलावत ज्वेलर्स का सबसे बड़ा शोरूम वहीं खुलेगा। लेकिन भाभी, वो घर पापा ने अपने सबसे पुराने दोस्त को दिया था, वो वहाँ पे अनाथ आश्रम चलाते हैं, न जाने कितने अनाथ बच्चे होंगे वहाँ पे, उन्हें ऐसे घर से निकालना ठीक नहीं होगा। देख रखो, वो प्रॉपर्टी तेरे नाम पे है, वो प्रॉपर्टी भी तेरी है और उस प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई हर एक चीज तेरी है, तो फैसला भी तुझे ही करना है कि क्या सही है और क्या गलत। अभी देखो ना, वो प्रॉपर्टी इतनी बड़ी है और अगर हम अपना शोरूम वहाँ खोलेंगे तो हमारी तरक्की ही तरक्की होगी, देखना। लेकिन महक, वो प्रॉपर्टी रघु की है, इसलिए फैसला भी उसे ही करना है कि वो उसके साथ क्या करेगा। तो भैया आप बताइए क्या करना चाहिए। अगर मैं तेरी जगह होता वहां पर किसी को भी नहीं रखता। ठीक है, फिर आप उनको वो जगह खाली करने का नोटिस भेज दो। Are you sure? हाँ भाई, आपकी राय के बिना लाइफ में कोई काम नहीं किया मैंने, अगर आपको उन्हें घर नहीं देना है तो मैं भी नहीं दूंगा। ठीक है, आप उन्हें फोन करके बोल दो 3 दिन में घर खाली करें। ठीक है। हेलो, हाँ वकील साहब, मैं विनय बोल रहा हूँ। देखिए, हमारी जो वो प्रॉपर्टी है उसमें जो लोग रह रहे हैं, आप उन्हें एक लीगल नोटिस भेज दीजिए कि 3 दिन में वो प्रॉपर्टी खाली हो जानी चाहिए। थैंक यू। ओह डार्लिंग, आपको याद है ना आज हमारी नई कलेक्शन की लॉन्च पार्टी? ऑफ कोर्स डार्लिंग, मुझे याद है, हम इतने बड़े काम की शुरुआत कर रहे हैं, तुम देखना आज की रात की पार्टी बिल्कुल ग्रैंड होगी एंड यू आर गोना लव इट। अब क्या करेंगे, ये तो 3 दिन में घर खाली करने के लिए कह रहे हैं। मतलब अब हमें यहाँ से जाना होगा? ऐसे कैसे जाना होगा, वो ऐसे हमें 3 दिन में जाने के लिए कैसे कह सकते हैं? पर उन्होंने ये सही नहीं किया, बहुत गलत किया। दीदी, अब क्या हम रोड पर रहेंगे? मैंने लंच के बाद कुछ खाया भी नहीं है तो रोड पे कैसे खाऊंगा? देखो, उन्हें अगर घर खाली करवाना होता तो प्रॉपर लीगल नोटिस भेजते, ऐसे 3 दिन में कैसे? मैं ऐसे नहीं होने दूंगी, अहलावत ज्वेलर के ओनर से मैं खुद बात करूंगी। कलेक्शन का बहुत ग्रैंड डिस्प्ले लगने वाला है ना?
and masquerade collection with eye mask and bemisal jewelry. You bet. हाय 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 महक, तेरी खूबसूरती तो बड़ी चमक रही है। अच्छा एक बात तो बता, तेरी ये चमक कितने दिनों तक रहेगी? हमेशा। मेरी ये चमक और मेरी ये खूबसूरती हमेशा तक रहेगी। मुझे पता था कि ये दिन जरूर आएगा, इसलिए मैंने ऐसी कोई चीज की है जो मैं तो क्या कोई और सोच भी नहीं सकता। क्या चोरी की मैंने? और मैंने ऐसी एक चीज की चोरी की है ना जो बहुत कीमती है। अच्छा, उसको मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ है। कहा? बदअकल औरत, ये कचरा नहीं है, ये मेरी प्यारी भांजी प्रार्थना की केचुली है, शेष नागिन की केचुली है ये। ये केचुली हमें प्रार्थना तक पहुंचाएगी, और तुम देखना ये केचुली ढूंढने वो जरूर आएगी। महक महक देखना, केचुली तो चमक रही है। इसका मतलब प्रार्थना यही कहीं आसपास में है। लेकिन हम तो इसी घर में हैं, तो प्रार्थना यहाँ है, मतलब कहाँ है वो? मेरी नीली नागिन, बता ना कहाँ है वो प्रार्थना? सुन सुन, तू तो यही बोल रही थी ना कि ये केंचुली हमें प्रार्थना तक पहुंचाएगी। अरे मूर्ख, धरती का सीना चीर फाड़ कर तो देख लिया, कोना कोना ढूंढा खोद लिया, लेकिन तेरी ये प्रार्थना तो कहीं नहीं मिली। महक, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मर गई हो? तो क्या हुआ अगर वो मर भी गई हो? मुझे बस उसकी लाश चाहिए, क्योंकि उसके शरीर के अंदर वो 9 मणियां हैं। और तुम देखना, ये केचुली ही हमारी मदद करेगी उसको ढूंढने में, और हमें उसे हर हालात में ढूंढना है। ढूंढेंगे ढूंढेंगे, जरूर ढूंढेंगे। किसको ढूंढना? मुझे बताओ, मैं हेल्प कर दूंगा। कुछ नहीं भी नहीं, वो क्या है ना, एक बहुत पुरानी ज्वेलरी थी महक की,
एकदम नायाब पीस। वो ज्वेलरी नहीं मिल रही है, बस उसी के बारे में हम बात कर रहे थे, ढूंढ रहे थे उसे, है ना महक? महक को ज्वेलरी की क्या कमी, उसे जो चाहिए उसे मिलेगा। इम्पोर्टेंट बात ये है कि सबसे नायाब और कीमती ज्वेलरी तो मेरे पास है। माय वाइफ, माय ब्यूटीफुल वाइफ, लुक एट यू, यू लुक सो स्टनिंग। थैंक यू। बाहर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें तो पता है ना कि आज हमारे नए मैस्केरेड ज्वेलरी लाइन की ओपनिंग है। और तुम्हारे बिना पार्टी में रौनक कैसे आएगी? कम, लेट्स गो। चलो। तुम्हारे बिना पार्टी अधूरी है, मैं भी आ ही रही हूँ। ये कैसा एहसास है? इस जगह को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये जगह जानी पहचानी सी है? छोड़ प्रीति, यहाँ जो काम करने आई है पहले उस काम पर ध्यान दे। इस घर के ओनर को ढूंढ और उससे अपना घर, अपना अनाथ आश्रम बचाना है। पर इस घर का ओनर है कौन? मारे को से जल्दी, ध्यान से, राइट, परफेक्ट। हे ब्रो, हाय, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। ओह रघु, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये नई ज्वेलरी लाइन देखने के लिए। I just can't wait. महक, तुम्हें पता है ज्वेल्स के मामले में मेरे भाई की परख बहुत अच्छी है। तुम देखना, इसकी जो वाइफ होगी ना, she's gonna be very lucky, क्योंकि हर वक्त उससे ज्वेल्स और डायमंड्स की बातें करेगा और उसे गिफ्ट्स देता रहेगा। अभी ऐसा कॉम्बिनेशन कहाँ मिलेगा भाई पति में? कोई है someone special? ये नादान दिल किसी पे आ गया है? हमें भी तो दिखाओ ना उसकी तस्वीर। वो मैं यहाँ वो ओनर से। मैम प्लीज, पहले ये मास्क पहन लीजिए, बिना मास्क के पार्टी में कोई अलाउड नहीं है। ठीक है, पर आप जानते हैं वो अलावत ज्वेलर के ओनर कहाँ मिलेंगे? वो देखिए, ठीक तो हो ना? रुको, तुम्हारी ड्रेस इतनी खराब हो गई है। फर्स्ट फ्लोर पे वॉशरूम है, तुम वहां जाके साफ कर लो इसे। ओके, वॉशरूम कहाँ है? पागल हो गई है तू? हाँ, प्रार्थना नहीं मिली, शायद इसी बात का सदमा लग गया तुझे। उसे ढूंढने के बजाय यहाँ सबके सामने हुंकेश्वरी कर रही है, पागल हो गई है तू? उसे ढूंढना मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी मकसद है। हाँ। लेकिन सीमा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी जिंदगी में मजा ना करूं। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कैसे मेरे रूप के दीवाने हैं यहाँ? बेटा, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है,
लेकिन तू ये बात मत भूल कि नागेश्वरी की पायल की वजह से तेरी ये जवानी और तेरा ये रूप सदा बहार है, समझी? मैंने तुझसे कहा था ना मैंने तुझसे इस पायल की वजह से ही तेरा ये रूप, तेरी ये जवानी है। देख वो गिर गई, कहीं तेरी असली बाहर न गिर जाए। मेरा मतलब है बाहर ना निकल जाए, एक शुरुआत तो हो गई। ये ले, पकड़ इस पायल को। प्रार्थना, मेरा वहम था क्या? प्रार्थना यहाँ कैसे हो सकती है? ये क्या, तेरी सुई अभी तक वही अटकी हुई है। अब ये वहम छोड़ना, तू जा अपने कमरे में। अरे छोड़ना उसको, तू जा अपने कमरे में और ये पायल जो है ना वो ठीक से अपने पैरों में बांध ले। और प्रार्थना तो नहीं मिलेगी, तेरी जो असलियत है ना वो बाहर निकल जाएगी। अरे तूने कहीं पर भी देखा होगा, तू जा ना यार, ये वहम छोड़, जा जल्दी से जा। इन नागिनों की वजह से कहीं मैं बूढ़ी ना हो जाऊं।